इस वक्त लोगों के प्राणों की रक्षा, लोगों का सम्मान, इसका कितना महत्व है। और इस सिलसिले में हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, इस सिलसिले में कुछ विचार व्यक्त किए जाएंगे। प्रश्न मानवता का है, किसी विशेष वर्ग की बात नहीं की जा रही है, किसी विशेष जात की बात नहीं की जा रही है। संपूर्ण मानवता हमारे समक्ष है और हमारे समक्ष रहना चाहिए। समस्या मानवता की है, मानवता के की रक्षा की है, उसके धन संपत्ति ही नहीं, सबसे बड़ी चीज तो प्राण है, उसके प्राण की रक्षा, उसका आदर इस पहलू से। ये विषय गंभीर भी है और ऐसा है कि इस पर गहराई से दृष्टि डाली जाए। विषय की तह में पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम पहले ही कदम पे समझ लें कि अगर हमारे हमारी दृष्टि संकुचित है, तंग नजरी हमारे अंदर है, तो फिर हम किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए विशाल हृदयता की जरूरत है। ऐसी दृष्टि जिसमें व्यापकता हो, यूनिवर्सल थिंकिंग की आवश्यकता पड़ती है। यूनिवर्सल थिंकिंग, व्यापक दृष्टि, तभी तो हम मानवता के सिलसिले में, सारे मनुष्यों के सिलसिले में सोच सकते हैं, अपनी बिरादरी के लिए, अपने घर के लिए, अपनी कौम के लिए सोचते हैं और सोचना चाहिए, अपने ग्राम के लिए, अपने टाउन के लिए, अपने नगर के लिए, शहर के लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए सोचते हैं, सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, यहीं पर हम रुक न जाएं, पूरा संसार हमारा संसार है, पूरा मानव संसार हमारा अपना है, पूरी मानवता हमारी अपनी है, उसका आदर होना चाहिए। ऐसा जब ही हो सकता है जब हमारी दृष्टि में व्यापकता हो, सभी को हम अपना समझें, सब अपने हैं, इसलिए कि सब परमात्मा के पैदा किए हुए हैं, इसलिए सब भाई भाई हैं। ये दृष्टि, ये यूनिवर्सल थिंकिंग आज वैज्ञानिक युग में भी हम पैदा नहीं कर सके। तरह तरह के ताशुब, पक्षपात आप पाया जाता है, जिसके कारण युद्ध भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कलह उत्पन्न होता है, परेशानी होती है, बिगाड़ पैदा होता है, शांति भंग हो जाती है। आपको मालूम है कि प्रथम प्रथम जो महान युद्ध हुआ था, उसमें लगभग 3.5 लाख लोग मारे गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग 7 लाख लोगों की हत्या हुई थी। इंसानी जान की ये तबाही, ये बर्बादी कोई मामूली घटना नहीं है। और फिर हमारे आपके दौर में भी जो हो रहा है संसार में, आप देख रहे हैं किस तरह से जानें बेदर्दी से जाया हो रही है। कुछ छिपा हुआ आपसे नहीं है। इसका एक मूल कारण यह है कि मनुष्य पतित हो गया। विशेष रूप से जो नेता हैं, जो डील करते हैं, चलाते हैं,
उनका दृष्टिकोण संकुचित हो गया। बड़े मनसब पर, बड़े पद पर आसीन होने के लिए जरूरी था कि हृदय विशाल हो, व्यापक थिंकिंग हो। जब ही इंसान सारे इंसानों के बारे में सोच सकता है, हैरानी होती है कि आज से सदियों पहले कुरान ने ऐलान किया था, कौनन नास उम्मतों वाहिदा, सारी इंसानियत उम्मत वाहिदा है, एक समुदाय। ये इंकलाबी बात थी, क्रांतिकारी बात थी, कौनन नास, सारी इंसानियत, सारे इंसान एक हैं, एक उम्मत हैं। आज भी इसको लोग सहन नहीं कर पाते, इतनी इंकलाबी बात थी। सारी मानवता के लिए सोचा गया, सारे आलम के लिए, सारे संसार के लिए। और यही नहीं कि किसी खास युग के लिए, नहीं, रहती दुनिया तक के लिए सोचा गया, आने वाली नस्लों की भी सोचा गया कि उनका हित कैसे हो, प्राणों की रक्षा कैसे हो। प्राणों की रक्षा के लिए जहां यह है, कोई आघात न पहुंचाए शारीरिक, कोई आक्रमण न करे, वहीं इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आदमी इस स्थिति में न हो कि अपने प्राण त्याग कर दे, वो त्याग दे वो जिसका एक रूप जो है आत्महत्या है। इस्लाम ने इसीलिए ज़कात का की व्यवस्था की ताकि ये कारण न बने कि आदमी जीवन से भागे, रूठ जाए आदमी। तो यूनिवर्सल थिंकिंग, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का नजरिया की धारणा पेश की गई। टू एन बी जो एक बहुत बड़ा इतिहासकार है, वो कहता है कि ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात इस्लाम ने पेश की थी, इसकी आवश्यकता तो आज उस दौर से भी बढ़कर है, इसकी आवश्यकता तो आज और बढ़ गई है कि ये नजरिया हो। दूसरे के हित के लिए हम सोचें, पहले अपने लिए बात में, यह है ईसार, यह है कुर्बानी। हमें लेने से ज्यादा देना आता हो, इसीलिए कुरान के अंदर इन्फाक पर बड़ा जोर दिया गया है, खर्च करने पर, अच्छे कामों में लोगों पर खर्च करने पर बड़ा जोर दिया गया है। और उसकी तालीम किसी विशेष देश के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए, हुदल नास कहा गया, सारी इंसानियत के लिए है। इंसान के पास सबसे महसूस चीजों में कीमती चीज उसके प्राण होते हैं, फिर धन होता है। और बाहर लोग तो कहते हैं कि प्राण को भी निछावर किया सकता है, धन को भी निछावर किया सकता है, कोई और भी चीज है, वह आन, वह चरित्र, वह ईमान। ईमान की रक्षा के लिए ईमान चरित्र का नाम है, एक चरित्र है, एक करैक्टर है, एक किरदार है, महज एक विचार नहीं है शुष्क। इसके लिए प्राण भी त्यागा जा सकता है, धन भी निछावर किया सकता है। लेकिन आम सामान्य रूप से आप जानते हैं कि प्राण जो है बहुत बहुमूल है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए कुरान के अंदर आया है, मन कत्ल नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादन फिलहाल फकअन्नमा कत्ल नास जमिया ओ मन अहया फकअन्नमा है नास जमिया। ये कुरान के शब्द हैं, कुरान में कहा गया है
जिसने किसी व्यक्ति को कत्ल कर दिया, किसी व्यक्ति की हत्या कर दिया, कारण न तो कातिल था न वो फसादी था। उसने एक की हत्या नहीं की, फकन्नमा कतलन्नास जमीया, उस सारी इंसानियत का कातिल है, सारी मानवता का वो हत्यारा है। एक कत्ल नहीं है, सबका कत्ल है। तो कुरान का कहना यह है कि किसी एक व्यक्ति को कत्ल कर देना, ये न समझो कि उसने एक व्यक्ति को कत्ल किया, नहीं, वास्तव में सारी मानवता का हत्यारा है वो। इसी प्रकार जिसने एक व्यक्ति की जान बचाई, एक व्यक्ति की जान की, एक व्यक्ति के प्राण की रक्षा की, उसने एक प्राण की रक्षा नहीं की, फकन्नमा है अन्नास जमीया, उसने सारी इंसानियत को जीवन दान कर दिया, सारी मानवता को जिंदा किया। इससे हम आप भली बात अनुमान कर सकते हैं कि इंसान की जान, उसके प्राण कितने मूल्यवान हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो चीज़ें पहले देखी जाएंगी परलोक में, हिसाब जब होगा लोगों का तो दो चीज़ें पहले देखी जाएंगी। एक है खून का मुकदमा, कत्ल का, ये पहले देखा जाएगा, और एक है नमाज के बारे में। अंदाज़ा ये होता है कि परमात्मा का हक हम पर यह है कि उसे नमन करें, नमाज पढ़ें, उसे याद करें, इसलिए ये उसका सबसे बड़ा हक है। इसके बारे में सर्वप्रथम प्रश्न होना ही चाहिए, और बंदों के जो अधिकार हैं, उनके जो हुकूक हैं, उनमें सर्वप्रथम उनका हक ये है कि उनके प्राणों की रक्षा हो, उनकी जानों की हिफाजत हो, उनकी जानों को आघात न पहुंचाया जाए, इसे बड़ा अपराध समझा जाए। इसीलिए कहा कि सबसे पहला मुकदमा जो होगा, पेश होगा, वो खुदा के यहाँ वो कत्ल का मुकदमा है। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान की जान कितनी ज़्यादा कीमती है। जब धर्म नहीं होता तो होता है अधर्म, और बिखर जाता है समाज अनेक टुकड़ों में। इन टुकड़ों को करना है एकजुट, ताकि आम हो एकता का संदेश। लॉग इन करें www.islamic-videos.com। ये बहुभाषीय वेबसाइट दूर कर देगी हर संदेह को, ढा देगी भ्रांति और गलतफहमी की हर दीवार। जाने पहचाने चेहरे खोलेंगे ये राज, इस्लाम, शांति और अमन का पैगाम। लॉग इन करें www.islamic-videos.com। और इंसान की जान कीमती इसलिए है कि इंसान से, मनुष्य से बड़ी बड़ी आशाएं की गई हैं। उसे यूं ही नहीं पैदा किया गया। कुरान में है, फरिश्तों ने अपनी खटक व्यक्त की थी, अपनी शंका जाहिर की थी कि धरती पर मानव को बसाया जा रहा है, ये तो खून बहाएंगे, रक्तपात करेंगे, बिगाड़ पैदा करेंगे। तो अल्लाह ने कहा था कि तुम नहीं जानते, इसका भेद है। ये नहीं कहा कि रक्तपात नहीं होगा, बिगाड़ नहीं होगा, लेकिन बिगाड़ के बावजूद, रक्तपात के बावजूद मानव को आबाद किया जाएगा धरती में। कांटों के भय से, फूल से हम मुंह फेर लें, ऐसा नहीं होगा। कांटे होंगे, लेकिन कांटों के कारण
फूलों की काश्त न की जाए, इस भय से कि क्यारी में कांटे भी उगेंगे, अपने इरादे को बदलता नहीं। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी खून बहाएंगे, रक्तपात करेंगे, सभी फसादी होंगे, नहीं, उसमें महान विभूतियाँ भी होंगी, अच्छे लोग भी होंगे, उसमें हजरत मसीह होंगे, मूसा होंगे, इदरीस और अय्यूब और इब्राहिम होंगे। तुम सिर्फ कांटों को देखते हो, तो रक्तपात जो है, फसाद जो है, खुदा को पसंद नहीं है। और फसाद इंसान इसलिए करता है कि उसके सामने कोई उच्च लक्ष्य नहीं होता है, अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति वो इसी में व्यय करता है। कुरान में आया है, वब्तगी फीमा आताका अल्लाहु दारल आखरा, अहसिन कमा हसन अल्लाह इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्तीन। बड़ी गहरी आयत है ये कुरान की, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे जीवन की फिलॉसफी इसके अंदर आ गई है। कहा जा रहा है कि तुम्हें जो कुछ प्राप्त है, जो समय, जो प्रभाव, जो शक्ति तुम्हें प्राप्त है, उससे तुम अपने शाश्वत जीवन को बना लो, शाश्वत जीवन का निर्माण कर लो, आखिरत को बना लो, इसमें अपने भविष्य का निर्माण कर लो, दवाम हासिल कर लो, इटर्नल लाइफ की तुम चिंता करो। और ओला तंस नसीब कम दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा लेना मत भूल, दुनिया में इसलिए आए हो, इसके लिए क्या करना होगा, अहसिन कमा हसन अल्लाह अलैक, लोगों को साथ अच्छा व्यवहार करो, जिस तरह से परमात्मा का व्यवहार तुम पर है, उसकी अनुग्रह उसकी कृपा तुम पर है, उसके उपकार तुम पर हैं, तुम भी उपकारकर्ता बन जाओ, तुम भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। अहसिन कमा हसन अल्लाह अलैक, खुदा ने जो सलूक अच्छा तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे माँ के हृदय में ममता रखी, किस तरह तुम्हारी परवरिश हुई माँ के पेट में पैदा होने के बाद, सोचो, ये सब उसका उपकार है। तुम लोगों के साथ वही व्यवहार करो, ये वो फार्मूला है, ये वो सिद्धांत है, अगर इसको अपना लिया जाए तो वार नहीं पीस की स्थापना होगी संसार के अंदर। ये गुरु बताया गया आसिन कमा हसन लाल, अगर इसको आदमी नहीं अपनाता, उला तबगिल फसाद फिल अर्द, तो जमीन में फसाद पैदा होगा, लाख यत्न कीजिए बिगाड़ पैदा होगा, असंतोष जन्म लेगा, लोग जुल्म करेंगे तुझे पर, अत्याचार करेंगे। और फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्तीन, उला तबगिल फसाद फिल अर्द, इस नीत को मत छोड़ना। इस नीत को छोड़ने का मतलब यह है कि तुम फसाद चाहते हो। नीत क्या, लोगों के साथ एहसान करना, अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक, अच्छे अखलाक से पेश आना, फूल सुगंध देता है, तुम भी सुगंध दो लोगों को। अगर ऐसा नहीं करते, फसाद पैदा होगा, बिगाड़ पैदा होगा, अशांति पैदा होगी। और सुन लो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्तीन, खुदा फसादियों को, बिगाड़ पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता, इसको याद रखो। और जिसको वो नापसंद करेगा, उसका परिणाम कितना बुरा होगा, इसे समझ सकते हो। ये बात बताई गई एक मुख्तसर सी आयत के अंदर, जीवन की पूरी फिलॉसफी बयान की गई। इसमें दिखाया गया
कि मानवता का कितना बड़ा हक होता है। उनसे हम विमुख नहीं हो सकते, लोगों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उनके हित के लिए हमें सोचना होगा, हृदय को विशाल करना होगा, जब ईश्वर से नाता हमारा स्थापित हो सकता है। हृदय का दरिया दिल है उसका, परमात्मा का वो फैयाज है, हम कृपण बन जाएं, वो पाक है हम नापाक बन जाएं, वो आफाकी ज़हन रखता है, सब पर मोहित है, हम घरों में बन जाएं, ईश्वर से कैसे फिर नाता बन सकता है। व्यापकता पैदा करनी हो, आफाकी से कहते हैं यूनिवर्सल थिंकिंग पैदा करनी होगी, जब जाकर सही मानों में हम रक्षा कर सकेंगे लोगों की जानों की, लोगों के रक्षक बनेंगे भक्षक नहीं, यही मतलब है। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि प्राण ही नहीं, लोग चाहते हैं प्राण की रक्षा हो, उनके धन की रक्षा हो, और आगे बढ़कर बात करते हैं तो चाहते हैं उन्हें सम्मान मिले, उनके सम्मान की रक्षा हो, आगे नहीं सोच पाते। अच्छा, मनुष्य की आवश्यकता केवल यही नहीं है कि उसे रोटी को सुविधा हो, उसके लिए साया हो, मकान हो, तन ढकने के लिए वस्त्र हो, ये यही उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन साधारणतः लोग समझते हैं कि यही बुनियादी हमारी आवश्यकताएं हैं, ये मानवता की तौहीन है, ये मानवता का अपमान है। मनुष्य को कुछ और भी चाहिए, मनुष्य को आदर भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, और मनुष्य को प्रेम भी चाहिए। मनुष्य के प्राणों की रक्षा वही कर सकते हैं जो मनुष्य से प्रेम करना जानते हों, जिनके मन में मानव का सम्मान हो, सच्ची तौर पर सही अर्थों में ऐसे ही लोग हैं जो मानवता के रक्षक होंगे, लोगों के प्राणों की रक्षा वही कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि साधारणतः प्रेम नहीं मिलता गरीबों को, आदर नहीं मिलता, इसे भूल गए उसको कि जीवन में प्रेम भी कोई चीज है, आदर सम्मान भी कुछ है, इसको उन्होंने विस्मृत कर दिया, भुला दिया, बस तन ढक जाए, पेट भर जाए, यही बहुत कुछ है। कार्नेगी ने अपना एक वाक्या बयान किया है, मौसम सर्द था, शीत लहर चल रही थी, वो टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, वो चेस्टर पहने हुए था, उसके दिल में आया आगे कंटीन पर हम कॉफ़ी पी लेंगे, लेकिन जेब में देखा तो एक पीनी भी नहीं थी, तो उसने अपना इरादा बदल दिया कि अब घर ही पहुँच कर कॉफ़ी या चाय पियेंगे। कोहर थी, उस धुंध में अचानक एक भिखारी सामने आ गया और हाथ फैलाकर कहा उसने कि बाबा कुछ मिलना चाहिए। बाबा ने तो पहले ही देख लिया था कि जेब में कुछ नहीं है, लेकिन हृदय उसका द्रवित हो गया, कैसे इनकार करें, शुभ शुभ की बात है, प्रातःकाल की बात है, इसका पहला सवाल है, कैसे इनकार करें इसको। कार्नेगी ने उस भिखारी को गले लगा लिया, चिमटा लिया, आलिंगन किया, देर तक चिमटाए रखा और फिर अलग करके कहा कि बाबा तुम्हें कुछ देने के लिए हमारे पास इस वक्त इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ा, लेकिन वो भिखारी अपनी जगह पर खड़ा रहा, वो कह रहा था आकाश की ओर देखते हुए कि भगवान 30 साल तो हो ही गए होंगे भिक्षा मांगते मांगते, लेकिन जितना तूने आज दिला दिया था तो कभी नहीं दिलाया था, आज मुझे वो मिला
उसे आज प्रेम मिला, आदर मिला, समझा कि हम भी, हमारा भी कोई मकाम है, हमारी भी कोई हैसियत है। तो लोगों की रक्षा, लोगों के प्राणों की रक्षा वही लोग कर सकते हैं जिनका दृष्ट व्यापक हो, जिनके मन में सम्मान हो लोगों का, प्रेम लोगों का हो। जो लोगों के सम्मान की रक्षा करेंगे वो उनके प्राणों की रक्षा करेंगे, वही नैतिकता के प्रहरी हैं, वही पहरेदार हैं सत्य के। उन्हीं पर दुनिया कायम है, उन्हीं से आशाएं हैं, प्रभु भी उन्हीं से आशाएं रखता है। तो मनुष्य की आवश्यकता यही नहीं है कि पेट भर जाए, तन ढक जाए, सबसे बड़ी आवश्यकता उसकी है उसे सम्मान मिले, उसे प्रेम मिले। अब एक बात और जाननी चाहिए, ये सुनने में भी नहीं आता, लोग भूल गए बिल्कुल। मनुष्य को जिस चीज की तलाश है वास्तव में, उसकी आत्मा जिस चीज खोज रही है, वो इटर्नल लाइफ है, वो अमर जीवन है, अमर जीवन की तलाश उसको है। लेकिन अमरता कोई बात नहीं करता, अमरता के अधिकारी वही होंगे जिनके हृदय व्यापक होंगे, जिनके मन में करुणा जाग रही होगी, जो ईश्वर के बंदों के रक्षक होंगे, प्यार करने वाले होंगे, जिनके अंदर दानशीलता होगी, जिनके अंदर करुणा होगी, जो तंगनजर नहीं होंगे, जो कृपण नहीं होंगे, जिनके सामने बरसने वाली बदलियां भी लज्जित होंगी, वो करुणा बरस रही होगी, ये वो लोग होंगे जो अमर जीवन के अधिकारी होंगे। हमारी प्रार्थना है कि ये मनोवृत्ति हमारी हो और हम इसके महत्व को समझें, संकुचित दृष्टिकोण को त्याग दें, सबको अपने गले लगाएं और जितनों को भी गले लगा सकें। एक की रक्षा करने वाला पूरी मानवता का रक्षक कहलाता है। अगर हम दो चार को भी गले लगाए तो समझिए हमने सारी मानवता गले लगाया। तो ये भावना हमारे अंदर जागृत हो, लेकिन ये काम कोई आसान भी नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि एक आंदोलन हो, एक चिंता की जाए, इसे बढ़ावा दिया जाए, इसका प्रचार हो, सुप्रचार हो। ये प्रचार केवल प्रचार नहीं है, रूहों को जगाना है, रूहों को आवाज देना है, आदमी को उसका ऊंचा पद जो है उस पद पर उसे आसीन करना है। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।